into the center of the uniform sphere. So what? So it can be considered that the mass capital M. So it can be considered that the mass matlab capital M of the uniform sphere is concentrated at its center. I dot E, that is the uniform sphere. I dot E kaisa likhe? The uniform sphere is assumed as a point mass. That is kya? That is the uniform sphere is assumed as, it can be assumed as, kya? May be assumed as kya? A point mass. I dot E likhe? Iska matlab ye hai ki aap us pure uniform sphere ko jisme actual mein mass uniformly phaila hua hai. यूनिफॉर्म क्यों बोला है? सफेयर में मास क्या हुआ भाई? यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, पूरा सॉलिड मास है. लेकिन अगर आप यहां पे खड़े हुए देखेंगे तो आप ये कहें कि जनाब साहब मैं तो यूनिट मास हूं, तो मुझे खींच कौन रहा है? मुझे कोई दूसरा यूनिट मास, यूनिट नहीं, मुझे दूसरा कोई पॉइंट मास खींच रहा है. ठीक है, उसको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मुझे सर्फिस से जोर नहीं आ रहा. मुझे सर्फिस, मुझे कहां से? मुझे सेंटर से जोर आ रहा है. कहता जाएगा इस कहानी के लिए मेरे काम क्यों नहीं करते हो? अज्यूम कर लो कि ये हकीकत में तो बड़ा सफेयर है, देख रही, लेकिन आप इसको क्या अज्यूम कर लो कि एज इफ सरफेस से इसको नहीं खींचा जा रहा. इसको किधर से खींचा जा रहा है? इसको सेंटर से खींचा जा रहा है. जैसे नहीं आप वो ओ लेवल में उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट? कि सर ये एक पॉइंट है, सुना था, ये एक मार्कर है, इस मार्कर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? सर जी हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल्स हैं. हर पार्टिकल का अपना अपना एक मास है. हर पार्टिकल को जमीन क्या कर रही है? हर पार्टिकल को जमीन खींच रही है. इसका मतलब इसके ढक्कन को भी जमीन खींच रही है. इसका जो पीछे वाला ये जो है, जो भी इसकी बेस है, इसको भी जमीन खींच रही है. इसके इवन इसको भी सबको खींच रही है. लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर जी ये बैलेंस कहाँ हो रहा है? ये यहाँ बैलेंस हो रहा है. तो यूं समझो कि सारे का सारा वेट एक्ट कहाँ हो रहा है? सारे का सारा वेट कहीं इस पॉइंट से नीचे एक्ट हो. हालांकि उस वाली साइड का वेट उधर से नीचे एक्ट हो रहा होगा, इधर वाली साइड का वेट इधर से नीचे, मतलब हर पॉइंट का अपना अपना वेट होगा. हमने ओ लेवल में भी ऐसी को बात की थी कि नहीं यार इसका वेट बस चेक करो है कहां. हालांकि वेट किधर है सर जी? एक एक पार्टिकल का अपना अपना वेट है, एक एक एटम का अपना अपना वेट है, एक एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेट है, एक एक प्रोटॉन का भी अपना अपना वेट है. लेकिन हम कहते हैं सर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बताओ इसका ओवरऑल वेट किधर है? तो हम कहते हैं सर इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? यू रिमेंबर दैट? उसको सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कहते थे, एक और लफ्ज भी था उसके लिए, सेंटर ऑफ मास भी उसको कहते थे. असल में था कि अजम्पशन थी? जरा मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंशिएशन है, द पॉइंट वेयर ऑल द वेट अपीयर्स टू बी एक्टिंग. याद आ रहा है? एक्चुअली एक्टिंग तो नहीं लिखते थे, सीम्स टू बी एक्टिंग लिखते होते थे. ठीक है, तो ये वही वर्ड मैंने वहां से चुराया है कि क्या फील्ड लाइंस सीम्स टू टर्मिनेट या अपीयर्स टू टर्मिनेट इन टू द सेंटर. हालांकि हकीकत में लाइनें, लाइन होता क्या वैसे? द पाथ फॉलोड बाय क्या? यूनिट मास व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं तो यहां से रोड तक मूव करता करता एक्सेंड करता करता इधर आएगा ना, ये आगे जाए नहीं, यहां रख दो तो यहां जाएगा. यार तो ये असल लाइनें हैं कि ये असल वो रास्ते हैं जिनके ऊपर यूनिट मास चल सकता है. लेकिन यूनिट मास यहां जमीन में कोई सुराख नहीं है कि निकलकर दूसरी तरफ चला जाएगा. ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइनें हैं. तो एक्चुअल लाइंस आ गई, असल में वो यहां तक जा रहा है, यहां से आगे नहीं जा रहा, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं एज इफ सर सारी लाइनें ही वहां से टर्मिनेट हो रही हैं. तो सपोज क्या करो कि ये, अच्छा सपोज भी क्या करना है? सपोज करना है कि यूनिफॉर्म सफेयर का सारा मास किधर कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ये अज्यूम करना है कि सारा मास, हालांकि उसका मास किधर किधर है? हालांकि तो सर उसका मास इधर भी है, 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 इधर भी है. और मैं आपको एक और बात बताऊं, जरा प्लीज गौर से सुनिएगा. अब मैं एक अजीब सी बात बोलने लगा, मुझे एक बात बताएं. अगर मैं कहूं कि यहां पे कोई पहाड़ भी है,
क्या है जी? इस मतलब चलो पहाड़ नहीं है, जमीन है जी, मतलब जमीन पे जो कुछ भी है ये पूरा पोर्शन इधर खींच रहा है इसको, मतलब इधर वाला मैस इधर खींचेगा, उधर वाला मैस उधर खींचेगा, लेकिन जाएगा किधर है? जाएगा ये ब्लू ब्लैक वाले रास्ते पर, ठीक है? तो असल में जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो उसका कलेक्टिव रास्ता है। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, पास्ट पेपरों में एक सवाल है कहीं ना कहीं कि जी एक पॉइंट है यहां पे, ये एक प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट कहीं यहां आ गया है। अभी अपने मजे का सवाल है किसी पेपर में, कहता है हमने एक पॉइंट, बल्कि नहीं ड्रॉ करता, कहते जी एक ये कोई यू नो क्या कहते हैं समथिंग लाइक, वो कहता है ये जमीन है, कहता था यहां कहीं ना कहीं मून है और यहां कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट है या कोई एस्टेरॉयड है समथिंग लाइक दिस, जो भी। पहले मून इधर था, अब सुनना है आपने, लिखना नहीं इसे समझना है, और यहां कोई पार्टिकल है जो किधर जा रहा है, जो इस रास्ते पे जा रहा है, ठीक है? अब सवाल पता क्या कहता है, कहता जी मून रिवॉल्व करता करता इधर आ गया। अगर मून रिवॉल्व करता करता इधर आ गया, कहता उसके रास्ते को क्या होगा, उसके रास्ते को क्या होगा, क्या वो उसी रास्ते पे सीधे सीधे जाएगा? नहीं जनाब साहब, सर जरा सा वो जरा सा हाँ जाएगा जमीन की तरफ ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी। अच्छा कहता सिर्फ डायरेक्शन को कुछ होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को भी कुछ होगा, वो भी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? अब सिर्फ इतना मैस नहीं खींच रहा, अब उसको ये वाला मैस भी खींच रहा है। कहते दो चेंजेस आएंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और एक उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो भी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब सीधे रास्ते की बजाय थोड़ा सा वो टर्न कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं वापस आता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हम किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? कलेक्टिव एक्चुअल डायरेक्शन में। तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, अगर वो मैं कहूँ जी यहाँ सारा पहाड़ी इलाका है, वहां सारा समुद्री इलाका है, और एज इफ आई अज्यूम के पहाड़ी इलाके का मैस बहुत ज्यादा होता है और समुद्री इलाके का मैस थोड़ा कम होता है, मतलब वो डेंसिटी सेंसिटी का फर्क तो है ही है थोड़ा बहुत। तो इफ आई से कि इसने अलग खींचने उसने अलग खींच, तो फिर क्या होगा? अगर मैं कोई एक तरफ पहाड़ी इलाके एक तरफ समुद्री है, पहाड़ वाले का मैस थोड़ा ज्यादा है और समुद्र वाले का मैस थोड़ा, तो लाइन सीधी तो नहीं होगी, लाइन तो थोड़ी उस तरफ को टर्न कर रही होगी। लेकिन उससे भी पहले एक और अजम्पशन की हमने, हमने कहा जमीन पे ना पहाड़ी इलाका है तो ना समुद्री इलाका है, जमीन इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। व्हाट इज मीन यूनिफॉर्म स्फीयर? उसके अंदर का मैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर जमीन का मैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितना मैस इस तरफ को है उतना ही मैस इस तरफ को है, तो ये वाला मैस अगर इधर खींच रहा है और वो वाला मैस उधर खींच रहा है, तो बंदे ने जाना किधर है? बंदे ने जाना तो सीधा सीधा है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो असल रास्ता उसका कौन सा था? ये वाला। अब जो रास्ता उसका असल वाला ये था, सुना जरा गौर से प्लीज, जब वो इस रास्ते पे जा रहा है तो एंड रिजल्ट क्या है, मतलब इसके लिए यह रास्ता है, 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 सबके रास्ते आ गए। जब ने सबके रास्ते बना लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड का पैटर्न ड्रॉ कर लिया, तो पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब क्या करूं? अब कुछ और अज्यूम कर रहा हूं। क्या अज्यूम कर रहा हूं? सर जी पैटर्न ऐसा है कि सारी लाइनें सीम्स टू क्या, सीम्स टू टर्मिनेट किधर? इन टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इन टू द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। सो क्या अज्यूम करना चाहिए कि ऑल द मास ऑफ द प्लेनेट इज क्या, इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। अच्छा इसका हमें फायदा क्या होगा, मतलब इस अजम्पशन से क्या हो रहा है? इस अजम्पशन से मेरा ग्राफ और चेंज हो जाएगा। कौन सा ग्राफ? आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सवाल है नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ Now draw the graph of gravitational field strength around kya? Draw the graph of gravitational field strength of a point mass, gravitational field strength of a point mass, gravitational field strength of a point mass versus
वर्सेस नहीं, अब अल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब तो पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट है, वर्सेस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट मास, वर्सेस क्या, वर्सेस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट मास। आपने कल के जो ग्राफ्स बनाए थे उन ग्राफ्स में क्या रफड़ चल रहा था कि सर जी वो सेंटर ऑफ द प्लेनेट आ रहा था, फिर सरफेस ऑफ द प्लेनेट आ रहा था, फिर नियर द सरफेस का अलग कॉन्सेप्ट आ रहा था, फिर अवे फ्रॉम द सरफेस का अलग कॉन्सेप्ट आ रहा था। अब मैं क्या करूं, अब मैंने एक नई कहानी डेवलप कर दी जी। नई कहानी क्या है, नई कहानी है अब एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, यू नो अब वाई एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, यूनिट्स आर ऑफ कोर्स एम एस माइनस टू, एक्स एक्सिस पर क्या है जी डिस्टेंस है दैट इज इन मीटर्स, और यहां पर ये पॉइंट है क्या वैसे, दिस इज ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है, और इस ओ फॉर ओरिजिन को अब ना तो मैं सेंटर ऑफ द प्लेनेट या सरफेस ऑफ द प्लेनेट, ऐसा मेरा रफड़ी नहीं है, ना मेरे पास कोई सेंटर ऑफ द प्लेनेट का कॉन्सेप्ट है ना सरफेस ऑफ द प्लेनेट का, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट मास, कि मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मैंने उस प्लेनेट को पॉइंट मास अज्यूम कर लिया है कि एज इफ उसका जितना भी हैवी जाइगेंटिक जो भी इनॉर्मस मास है सारा किधर है, सारा सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर उसका सारा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर मैं आपसे एक सवाल है, उसके सेंटर पर जी की वैल्यू बताइए, सेंटर पर जी जो कुछ होगा सो होगा, एम बहुत बड़ी वैल्यू कुछ होगी सो होगी, उधर डी कितना होगा, जीरो होगा, तो इस फॉर्मूले में जीरो पुट करूंगा तो क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, अच्छा कोई बात नहीं आने दे, इसका मतलब क्या है, मैंने वाई एक्सिस को ग्राफ टच नहीं होने देना, अच्छा जी कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट डी ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, सर जी ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या बनाऊं, मैं तो एफएससी के खाते में से निकल गया हूं, मैंने क्या करना है, हेलो जी दैट्स इट, किसी को मसला है, कल हमने क्या किया था, हमने कहा सेंटर से सरफेस वाला बनाना तो बीच में कुछ स्पेस खाली थी, उस स्पेस के अंदर मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ गया, अब मैं उस स्पेस से ही निकल गया हूं, कि जनाब है ही नहीं मसला, कौन सा मसला नहीं है, सेंटर वाला और सरफेस वाला मसला ही नहीं है, तो क्या सिचुएशन चल रही है, आई बिलीव पॉइंट मास का पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट चल रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ द पॉइंट मास, दिस इज पॉइंट मास, उसको सेंटर क्या बोलूं, ठीक है ये वो पॉइंट है जहां पर पॉइंट मास से फासला जीरो है, तो ये वो खुद पॉइंट ही है, मुझे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी कि ये पॉइंट क्या है, ये वो सफेयर का सेंटर या पॉइंट मास का भी सेंटर, जो खुद ही पॉइंट मास का मतलब ही क्या है कि वो पॉइंट है, उस पॉइंट पर क्या सिचुएशन चल रही है, उस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या चल रही है, सर उस पॉइंट पर जी की वैल्यू कितनी मैक्सिमम है, वो इनफाइनाइट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो उसको टच भी नहीं कर रहा हूं, हाँ बस इतना जरूर है कि जैसे जैसे डी ज्यादा करेंगे क्या होगा, सॉरी जैसे डी ज्यादा करेंगे वैसे वैसे जी कम होता जाएगा, और वो आपको पता है कि अगर डी आपने डबल कर दिया तो यू नो जी जो है वो चार गुना कम हो जाएगा। अब यहां से आगे सवाल वाले की मर्जी है कि आपको इनिशियल क्या पॉइंट वो बताता है और उसके बाद फासले में कितना इजाफा करता है, और उस फासले में एक पर्टिकुलर इजाफा करने के बाद जी में आपको कितनी कमी करनी पड़ती है। आप में से यहां अगर कोई मुझसे सवाल पूछना चाहेगा तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी, हाँ अब जी जीरो क्यों नहीं हो सकता, इसका मसला भी ग्राफ के अंदर ही है कि जो आप डी के स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं मैथ्स में, आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो यू नो वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो कर्व ही होती है, और वो क्या करता है, वो हमारे दोनों एक्सेस में से किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिंपल सी है कि अगर आप कहते हैं, मैं आपको y इज इक्वल टू k ओवर x स्क्वायर का बता देता हूं कि अगर x जीरो हो गया तो y क्या हो जाएगा, व्हेन x इज जीरो क्या होता है, y इज या तो अनडिफाइंड या जिसको आप क्या कहते हैं ये, सिमिलरली x को उधर ले जाओ y को उधर ले आओ फिर क्या होगा, फिर वही बात होगी, व्हेन व्हाट, When y is zero, x क्या हो जाएगा, x is undefined हो जाएगा, and you know उसको आप क्या बोलेंगे, यूं बोलेंगे। तो इस बात का, ये आपके सवाल का जवाब है कि graph will neither touch x axis nor touch y axis। लिखिए जी
x0 था y अनडिफाइंड हो गया, तो उसका मतलब क्या है, ये ग्राफ शैल नॉट टच y एक्सिस, बस बिल्कुल वर्टिकल हो जाना चाहिए वहां जाकर। सिमिलरली जब y जीरो हो जाता है x इज अनडिफाइंड, ग्राफ शैल नॉट टच y एक्सिस, रादर वर्टिकल हो जाए। यहां क्या लिखूं, मास ऑफ द स्फीयर मे बी कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, वो मैंने समझा दिया। रिकॉल एंड यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो आ गया। फिर कहते जी सर्कुलर ऑर्बिट्स, नहीं सर्कुलर ऑर्बिट्स तक तो भी हम नहीं गए हैं। हाँ इधर तक हम जरूर गए हैं कि अंडरस्टैंड व्हाई जी इज अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल चेंजेस इन हाइट नियर द अर्थ सर्फिस, अर्थ के सर्फिस के नियर स्मॉल चेंजेस इन हाइट जब आती हैं तो जी इज अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट, तो मतलब सर्फिस से थोड़ा ऊपर चले जाएं। या अगर वो कहे कि जब आप 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे, उस ऊंचाई से थोड़ा सा 2 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो जो जी का आंसर 64,000 किलोमीटर पर आया था उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे वहां भी जी का आंसर क्या आएगा। जब भी किसी भी लेवल पर, एक जरा स्टेटमेंट दोबारा सुनिए, जी इज अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल चेंजेस इन हाइट, कि आप किसी भी लेवल पर थोड़ी थोड़ी अगर चेंज लाएंगे तो जी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हाँ बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे तो फिर जी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहरहाल आई थिंक ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं करा चुका हूँ। यहाँ से आगे आप क्या करना है, या तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करानी है, या फिर मुझे आपको पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कराकर फिर जो है वो आगे लेके जाना है। आई थिंक मैं फिजिक्स के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करूँगा जी।